हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन मेडिसिन में, जहां पे आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस यानी गले की गिल्टी के बारे में। इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, टॉन्सिल जन्म से ही हर व्यक्ति के मुंह में होते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह हमारी बॉडी का हिस्सा है। ये हमारे मुंह में होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन कई बार इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है किसी भी बीमारी के कारण, तो हमारे टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। इसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं यह क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। मुख्य रूप से यह लसीका ग्रंथियों में इन्फेक्शन के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जैसे एडिनो वायरस, इंट्रो वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, राइनो वायरस और एप्स्टाइन बार वायरस भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, HIV और बैक्टीरिया भी इसके कारण हो सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसे गले में दर्द होगा और ऐसा लगेगा कि शायद गले में कोई बाल अटका हुआ है, और कुछ खाने पीने में तकलीफ होगी, यहाँ तक कि पानी पीने में भी बहुत दर्द होगा। टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। कान और गर्दन में पेन हो सकता है। सिर दर्द और बुखार हो सकता है। थकान हो सकती है। मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। खांसी हो सकती है। ठंड लग सकती है और लसीका ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो सकती है। अब बात आती है इसके लिए करें क्या। सबसे पहले बचाव के बारे में बात करते हैं। तो आप हर समय किसी भी तरह का उल्टा सीधा मत खाएं, ज़्यादा ठंडा या गर्म ना खाएं। अगर फिर भी हो गया तो इसके लिए क्या करें। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे सबसे पहले टॉन्सिल को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको गार्लिक यानी गरारे करने चाहिए। इसके लिए आप किसी भी माउथ वॉश का सेवन कर सकते हो, जैसे लिस्ट्रिन का भी आता है, कोलगेट का भी आता है। आप इनमें से कोई भी एक माउथ वॉश ले सकते हो। अब इसको 10 ml लेकर 1 कप पानी में डाल लो और उसके दिन में 3 से 4 बार गरारे करने हैं। और ऐसा ना हो कि 1-2 बार करें और बोले कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कम से कम दिन में 3 से 4 बार गरारे जरूर करें। इसके अलावा पाप लगा सकते हो। और मेडिसिन की बात करें तो अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम रोजाना एक गोली, 3 दिनों तक खाने के बाद पानी के साथ। इसके अलावा अगर पेन ज़्यादा हो तो आप पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम टेबलेट सुबह शाम ले सकते हो। यह जो डोज मैं बता रहा हूँ वो अडल्ट व्यक्ति के लिए है, बच्चों के लिए कम डोज वाली आती है। इसके साथ टेबलेट राइनोसोलविन रोजाना एक गोली और सिर्फ एम्ब्रोडिल डी 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को दिए जाने चाहिए। आप इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को बार बार ये समस्या हो जाती है तो उसमें सर्जरी की जाती है, जिसमें टॉन्सिल ही निकाल दिए जाते हैं। यह सर्जरी बहुत ही आसान होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।